अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगेन मैं हूँ करीम, करीम ट्रैवल एडवाइज़र से। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा, काइंडली यूट्यूब चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसको शेयर कर दें, और फेसबुक पेज जो है मेरा वो भी लाजम लाइक करके शेयर भी प्लीज़ कर दीजिएगा। अगर वीडियोज़ आप अक्सर यूट्यूब फेसबुक शेयर करते रहते हैं, यूट्यूब को भी आप शेयर करना शुरू करें। थैंक यू वेरी मच इन एडवांस। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको भी शेयर कर दीजिएगा। जो हमारे दोस्त बेसिकली क्यूबा जाना चाहते हैं, ये उनके लिए वीडियो है। मैंने क्यूबा का काम भी हमने स्टार्ट कर लिया है। अगेन जैसे मैं कह रहा था, साथ साथ मैं कंट्रीज़ ऐड करता रहूँगा इंशाल्लाह ताला। तो अब ये क्यूबा का मैं आपको बताना चाह रहा था। क्यूबा के लिए आपका जो है रिक्वायरमेंट जो है बहुत ईजी हैं, थोड़ी सी मतलब वो हैं डिफरेंट और ईजी हैं, लेकिन उसमें सिर्फ जो चीज़ें हैं रिक्वायर्ड मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप खुद अपने जज कर लेंगे, असेसमेंट कर सकते हैं अपने आप को। क्योंकि क्यूबा जो है बिल्कुल ये नॉर्थ अमेरिका में है। अक्सर भाइयों को पता होगा, कुछ भाई साउथ अमेरिका जाना चाहते हैं, कुछ लोग अमेरिका जाना चाहते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका है, अमेरिका के बिल्कुल सामने क्यूबा है। इसकी जो क्यूबा जो अगर आप गूगल मैप पे देखें, क्यूबा के सामने फ्लोरिडा है, बिल्कुल सामने। जिस तरह टर्की अगर लोग जाते हैं तो टर्की से लोग कहते हैं यार नज़र आता है सामने ग्रीस और यूरोप नज़र आता है, इसी तरह क्यूबा से सामने अमेरिका नजर आता है। यानी समुद्र है, थोड़ा सा अगर आप मैप को सर्च करके देखें, ये अमेरिका की स्टेट है फ्लोरिडा, उसके बिल्कुल सामने है क्यूबा, हवाना इसका कैपिटल है। तो बेसिकली क्यूबा जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो है, वैलिड पासपोर्ट आपका होना चाहिए 6 महीने से ज़्यादा, यानी उसकी एक्सपायरी डेट पड़ी हो। अच्छा, दूसरा आप पाकिस्तानी हो, कॉमन सेंस की बात है ये, क्योंकि पाकिस्तानीज के लिए मैं बता रहा हूँ ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली। और आपका नेशनल आईडी कार्ड हो, आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, ये भी इजी हो गया। अच्छा, होटल रिजर्वेशन, अक्सर आप मेरी कुछ वीडियोस देखी जिसमें मैंने कहा है कि हमसे आप होटल रिजर्वेशन या टिकट जो है वो कन्फर्म टिकट मांगती है कुछ एम्बेसीज, तो उनमें से एक क्यूबा है। क्यूबा भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ की मैं क्यूबा बोल रहा हूँ, कुछ लोग क्यूबा बोलते हैं, तो खैर नहीं, वैसे दोनों की प्रोनाउंसिएशन चल जाती है। तो बेसिकली ये क्यूबा या क्यूबा, इसके लिए आपको कन्फर्म होटल रिजर्वेशन चाहिए, जितने दिन आप जा रहे हैं उतने दिन कन्फर्म होनी चाहिए। और आपका टिकट भी ये कन्फर्म मांगते हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ, टिकट कन्फर्म मांगते हैं, बुकिंग नहीं मांगते। अगर आप बुकिंग देंगे तो आपको वीज़ा नहीं लगेगा और ना वो आपसे एक्सेप्ट करेंगे ये। तो ये कन्फर्म बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैंने एम्बेसी से भी पूछा, उन्होंने कहा जी हम कन्फर्म टिकट ही लेंगे। और इसका मतलब ये है कि आपके वीज़ा लगने के चांसेस 99% हैं, क्योंकि अब जारी बात इतनी महंगी को टिकट लेके जाए और उसका वीज़ा ना लगे तो उसके पैसे ज़ाया हो गए। तो लेकिन यानी उनकी बातों से मुझे ये जज हुआ कि गारंटीड वीज़ा मिलेगा। और क्यूबा का वीज़ा लग जाता है, जितने भी लोग अभी मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखे हैं केसेस, उनके वीज़े लगे हैं 95% कह सकता हूँ, 5% हो सकता है इसमें चांसेस हो। अच्छा, एक तो टिकट हो गया, होटल हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, आईडी कार्ड हो गया। पांचवी जो चीज़ है, आपको एफिडेविट लिखना पड़ता है एक नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करके कि आप सिर्फ टूरिस्ट पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, किसी और पर्पज़ के लिए नहीं। तो आपको एफिडेविट अपने नाम का देना चाहिए कि इसमें आप टूरिस्ट पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। वो एक स्पेसिफिक जगह है इस्लामाबाद की, वहाँ से सिर्फ होता है। अच्छा, और उसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, इसमें कोई खास उन्होंने मेंशन नहीं है किया हो कि कितनी, लेकिन 3 से 6 माह की आप बैंक स्टेटमेंट कम से कम जहन में रखें, 6 माह कर दें बेहतर है। 6 माह की बैंक स्टेटमेंट हो आपकी, कम से कम 5 से 6 लाख में पड़ा हो, ये कम से कम बता रहा हूँ। और उसके अलावा आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी अटेस्टेड होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरन ऑफिस से। और ट्रैवल इंश्योरेंस, इसके टोटल वर्किंग डेज उन्होंने बताए हैं 15 दिन, लेकिन अपने पास से आप 5-7 दिन एक्स्ट्रा हमेशा रखा करें, ताकि मतलब कई बार आपको पता छुट्टी आ जाती है देर से, मतलब आप देर से डॉक्यूमेंट सबमिट कराइए, उसमें कोई मिसिंग होगी कोई चीज़, तो हमेशा हमेशा जब भी कोई एम्बेसी या कोई भी आपको टाइम बताता है उसमें आप कोशिश किया करें कि 5-10 दिन ऊपर नीचे रख लिया करें। तो 15 दिनों ने लिखे हुए, आप 20 दिन कर लें या 22 दिन कर लें अपने वर्किंग डेज में हमेशा याद करें, सैटरडे संडे नहीं आता, तो आप 5 वर्किंग डेज, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, आप 5 गिना करें। तो ये वर्किंग डेज उन्होंने बताए हैं। और $80 उनकी फीस है जो है बेसिकली क्यूबा की, $80 जो है उनकी अपनी फीस है। तो आपने और डॉक्यूमेंट भी उन्होंने कहा खुद जमा कराएंगे, ठीक है, ये भी आपने खुद जाके जमा कराने होते हैं। तो जेरीज की तरह नहीं कि आप किसी को भेज दें या जेरीज में जाके जमा करा दें, क्यूबा की एम्बेसी में आपने खुद जाके जमा कराने हैं, खुद जहाँ पे अपीयर होना है। तो ये सारा प्रोसीजर है क्यूबा का। अगर कोई मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमें व्हाट्सएप कर लें, आपको इंशाल्लाह वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, और उसके हमारे चार्जेस के लिए बेसिकली। और अगर किसी ने हमारे थ्रू कराना है तो हमारे थ्रू करा सकते हैं, और खुद जाना चाहते हैं मैंने आपको रिकॉमेंड्स बता दी हैं, आप खुद भी जाकर करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, दो में प्लीज़ याद रखा करें। मजीद मैं इंशाल्लाह साथ साथ कंट्रीज ऐड कर रहा हूँ, जो जो यानी बेसिकली हमारा एक्सपीरियंस होता जा रहा है उसको मजीद हम ऐड कर रहे हैं, ताकि और भी लोगों का भला हो जाए। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, दो में प्लीज़ याद रखा करें। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, आमीन।